महाबली आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की, तीर्थनाथ सम्मेश शिखर जी की, सुसंपन्न सिद्धक महामंडल विधान की। इस धर्म सभा में राजी सभी भव्य जनों एवं टीवी के समक्ष बैठकर अपने घरों में अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं उन घड़ियों में जबकि हमने 8 दिन तक लगातार अनंत अनंत सिद्धपरमेश्वर भगवंतों की आराधना की और उत्साह से भरे लबालब हम गुरुदेव के श्री चरणों में, बेगुरुदेव जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य के रूप में जगत विख्यात है, जिनके माध्यम से गुणायतन प्रणेता बन करके वे अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और जिन्होंने शंका समाधान भावना योग एवं संरक्षण के रूप में जगत में ख्याति प्राप्त की है, ऐसे गुरुदेव के समक्ष बैठ करके हम अपनी शंकाओं के समाधान सुनेंगे पूछेंगे। उत्सव का दिन है, महोत्सव का दिन है, उल्लास का दिन है। मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के श्रीमुख से अपने समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व आप सबका गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि आप सब गुरुदेव के आशीष से आच्छादित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। कुछ ही समय शेष है जबकि पूरी दुनिया देखेगी गुणायतन और गुणायतन में देखेंगी वे सारी बातें जो चतुर्थ काल में हुआ करती थी, वह समोसरण वे आयतन जो हम चतुर्थ काल में देखते थे वे हम देख पाएंगे गुणायतन सम्मेश शिखर में। आने वाला है समय और ये सब संभव हो पा रहा है आपके उदात्त मन से, आपकी उदारता से। आज ही बहुत सारे देवों लोगों ने गुणायतन संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य किया है, उनके नाम उच्चार रहा हूं, किसी ने स्वर्ण दान दिया है, किसी ने किसी प्रकार से अपने आप को जोड़ा है, बहुत बहुत साधुवाद के साथ मैं उनका नाम उच्चार रहा हूं। आपकी ताइयां लगातार उनके सम्मान में बजती रहना चाहिए, आप उनके सम्मान करके अपना पुण्य वर्धित कर सकते हैं, स्वर्ण दान देकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। डॉक्टर राकेश जैन, श्रीमती देवक जैन, डॉक्टर रचना, डॉक्टर अनमोल, आकृति, अपूर्व जैन, ऐश्वर्या, प्रीति, नवनीत जैन, सतना ने जिन्होंने सोने का लगभग 25 ग्राम का टुकड़ा एवं चांदी लगभग 74 ग्राम प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है, आपकी तालियां उन तक पहुंचे। यदि उपस्थित हैं तो आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करके हमें हर्षित करें। आइए सीखता से हम हर्षित होंगे उनका सम्मान करके। डॉक्टर राकेश जी अपने परिवार के साथ। इसी क्रम में श्रीमती मीना जैन हरदा, इन्होंने भी सोना प्रदान करके, कान के टाफ, चांदी की पायल आदि प्रदान करके जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। और कोलकाता से एक सुश्रावक ने गुप्तदान के रूप में 63 ग्राम 63+11 74 ग्राम सोना प्रदान किया है, 74 ग्राम सोना प्रदान किया है। अपना नाम नहीं बताना चाह रहे हैं लेकिन गुणायतन स्वर्णमय हो इस भाव से प्रदान किया है। आप अपने भाव बनाएं, सोना प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाएं। और निर्माण निधि के रूप में संबद्ध हुए हैं ऑनलाइन श्रीमती अंकिता जैन, धर्मपति श्री रितेश जैन, अविशी जैन, विदिशा। यदि उपस्थित हों तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। श्रीमती इंदुमती अन्ना साहेब पाटिल सांगली, ये भी अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव का आशीष प्राप्त कर लें। निर्माण मित्र के रूप में आइए डॉक्टर राकेश जैन, देवक जी जैन, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान असित जी बैनाड़ा, अर्चना जी बैनाड़ा कोलकाता एवं श्रीमती कमलेश जी सागर ट्रस्ट गुणायतन। आ जाए सम्मान करने के लिए, आप आइए, नमस्तु कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, आइए। आपने अनुपम कृत्य किया है, अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण निधि के निर्माण मित्र के रूप में स्वर्गीय पंडित जयकुमार नायक की स्मृति में श्रीमती प्रभा नायक, पारस जैन, संचिता जैन नायक परिवार जबलपुर संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। कमलेश जी आ जाए सागर से सम्मान करने के लिए, कमलेश जी आ जाइए, आ जाए, अर्चना जी आ जाए। और आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती कांता देवी, धर्मपटनी, धर्मचंद पाटनी, अजीत पाटनी, नरेंद्र पाटनी, मुगलसराय सूरत,
जिन्होंने हस्तान का परम उपवास के उपलक्ष्य में अपने आप को गुणायतन की निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध किया है, तालियां आपकी इनके लिए गूंजती रहें और वो आए गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान जेके जैन साहब नोएडा को। जेके जैन साहब नोएडा ट्रस्टी गुणायतन आ जाए सम्मान करने के लिए। निर्माण साथी के रूप में श्रीमान विजय कुमार जी स्नेहता जैन अनुराग जैन अहमदाबाद से संबद्ध हुए हैं और अपने जीवन को सारथ्य सौंपा है। आइए श्रीमान नहीं है विजय कुमार जी अहमदाबाद नहीं है। श्रीमान ज्ञानचंद जी की स्मृति में श्रीमती शशिबाई श्रीमती दीपा सुनंदा शरद रोहित जैन सन्मार परिवार जबलपुर ये संबद्ध हुए हैं गुणायतन के शुद्ध धारण के रूप में। सीखते से आ जाएं गुरुदेव चरणों की अभिवंदन करें आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान जेके जैन साहब नोएडा से और श्रीमान विनोद जी जैन श्रीमणी संरक्षक गुणायतन बिलासपुर। विनोद जी रंजना जी जैन श्रीमणी संरक्षक गुणायतन बिलासपुर ये सम्मान करने के लिए आएंगे। इसी क्रम में आज अपने आप को संबद्ध किया स्तंभ के रूप में गुणायतन के स्तंभ के रूप में श्रीमती संतोष देवी सेठी श्री केसीचंद जी सेठी इम्फाल विकास अरहन यूएसए सीखते से आ जाएं। आप सम्मान करेंगे विनोद जी सम्मान हाँ रंजना जी भी आ जाएं सम्मान करने के लिए। अच्छा नोएडा से आइए श्रीमान जेके जैन साहब नोएडा सम्मान करेंगे ज्ञानचंद विनोद जी रंजना जी सम्मान करेंगे। ज्ञानचंद जी की स्मृति में श्रीमती शशिबाई श्रीमती दीपा सुनंदा शरद रोहित जैन सन्मार परिवार जोरपुर सीखता से आ जाइए। और श्रीमती संतोष देवी सेठी केसी चंद जी सेठी इम्फाल सीखता से जाएं गुरुदेव चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। यूएसए से इम्फाल विकास जी अरहन जी सेठी यदि हैं तो सीखता से आ जाइएगा। और आज हमारे बीच में प्रमाण सागर सेवा दल ललितपुर सेवा संघ श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर जिनके कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये लड़के निरंतर सेवा में रहने को तैयार हैं। जितना काम बता सको बताओ हम करने को तैयार हैं। ऐसे निभाओं की टीम आज गुरुदेव को आशीष प्राप्त करेगी और उनका सम्मान करेंगे। श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी देवदेव महासंघ के अध्यक्ष भोपाल और गुणायतन के समय संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी सम्मान करने के लिए आ जाए। सीखता कीजिए सबकी तालियां बजाइए। इन्हें ऐसा काम किया है जो लगातार प्रशंसा नहीं है। जितनी प्रशंसा मैं कहता हूं करूं करें जाए उतनी कम है। ऐसे लड़के दिन रात जूझने में तैयार। कार्यक्रम चलता रहेगा इनको दुपट्टा उठाते आरिश जी दुपट्टा उठा एनएल जैन साहब श्रीमान देवेन जी श्रीमान अरविंद जी राजा इनको दुपट्टा पहनाएगी श्रीमान पुष्पेन जी बांदा आते जाइए क्रम से। इनको श्रीमान दिनेश जी भी आ जाए सम्मान करने के लिए। सुभाष जी और अरुण जी गंगवाल आइए सीखता से इनका सम्मान करिए। बच्चों का सम्मान इनको प्रोत्साहित कीजिए। हरीश जी कर रहे हैं हरीश जी बुला इनको जान दो सीखता कीजिए। और हरीश जी दिल्ली से हमारे ट्रस्टी हैं। इनके बारे में बताऊं हरीश एक ऐसा व्यक्तित्व है जो गुरुदेव चरणों में निरंतर रहना चाहते हैं। वो तो कोई कारण ऐसा जाता है जब भाग जाते हैं जाना पड़ता है नहीं तो हरीश एक ऐसा व्यक्तित्व है। और हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है मनोज जी जैन जैसे जिनके नाम से जानते हैं मनोज जी जैन कन्नौज कहां का प्रवास करना कितनी यात्रा करवानी महाराज आप तो बोल दो बस सारी व्यवस्था मेरी मैं सब कर लूंगा आप चिंता नहीं करो जितना प्रवास करो जितनी यात्रा करवानी है। श्रीमान कन्नौज मनोज जी जैन कन्नौज जो ट्रस्टी गुणायतन है प्रेमी जी इनका सम्मान करेंगे देवदा महासंघ के अध्यक्ष कन्नौज वाले श्रीमान मनोज जी का। और हमारे बीच में हमारे पाटन से चंद्रशेखर जी जैन भी हैं भोजन व्यवस्था संभालने में जो निष्णात हैं दक्ष हैं ऐसे श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन अमर पाटन वे भी आज गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के सुमन संरक्षक श्रीमान अतुल जी लाधानी बक्सरा गुजरात सम्मान करेंगे श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन अमर पाटन का इस प्रकार से। और जब तक हम इनका सम्मान हो मैं बहुलाल जी चंद्रा जी कल्पना जी गर्ग एवं आयुषी सिम्हल शुभम सिम्हल कोटा
इन्होंने चांदी की 5 जोड़ी पायल बिछिया गुणायतन के लिए, रजत कार्य के लिए प्रदान किए। बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार जो संपन्न हुआ सिद्ध महामंडान, उसमें गया से श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, उषा जी, आशीष जी, मनीष जी, प्रीति, श्वेता जी, अजमेरा परिवार, इन्होंने 11,000 की राशि, डॉक्टर सुनीता जी, डॉक्टर बी के डी जैन, दीनानाथ कमलादेव जैन, पूर्व अंजुष जैन ग्वालियर, इन्होंने 11,000 राशि प्रदान करके जीवन को धन्य किया। बहुत बहुत साधुवाद। और हम चलते हैं, पहला प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रमाण सेवा, प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के युवकों द्वारा पहला प्रश्न होगा, और तैयार रहेंगे। हमारे बीच में आज वर्जीनिया अमेरिका से श्रीमान व्योम जी, श्वेता जी जैन, व्योम श्वेता जैन आगे आ जाए, वे आए हैं, ये अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। जो माइक दीजिए, आ जाइए मैं। नयन जी आ जाए, इसको दुपट्टा उठाइए नयन को, ऐसे कर्मठ युवक। मैं कहता हूं कि निरंतर इनके माध्यम से ऐसे ही जैन धर्म की प्रभावना होती रहे, ऐसे ही ये कार्य करते रहे, और सदैव गुरु सेवा में, साधु सेवा में लगे रहें। इस भाव से श्री प्रमाण सेवा संघ, सेवा सागर सेवा संघ के युवक अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगे? नहीं तैयार रहेंगे। व्योम जी, श्वेता जी जैन वर्जीनिया अमेरिका से, जो आज गुरुदेव चरणों के वंदार थे, यहाँ उपस्थित हुए हैं, प्रश्न करने के लिए तैयार रहेंगे। और हमारे बीच में आज ललितपुर प्रमाण सागर सेवा संघ से कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमारी तरफ से सभी को उत्तम क्षमा। चलिए वहां दीजिए, नयन पूछ रहा है। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि गंधोदक की महिमा क्या है, एवं गंधोदक मतलब पूजन करते समय अपने अनुष्ठान में जो गंधोदक का थोड़ा बहुत भी होता तो उसका क्या फल रह गया, क्या हम लोगों को पुण्य या पाप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है, गंधोदक की महिमा क्या। गंधोदक अत्यंत पवित्र है, जो प्रभु के अभिषेक के श्रेष्ठ जल है वो जल नहीं कहलाता, वो गंधोदक कहलाता है। तो इस गंधोदक की महिमा को हमें अच्छे से समझना चाहिए, और इसे किसी तरीके से नकारा नहीं जाता। जब हम मंत्रोच्चार के साथ भगवान का अभिषेक करते हैं तो उस जल में अनेक प्रकार की सकारात्मकता आती है, पॉजिटिव आयन्स आते हैं, और वह हम सबके कल्याण का कारण है। हम लोग बोलते हैं निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिन गंधोदकम बंदे अष्ट कर्म विनाशकम। ये गंधोदक हमारे पापों का विनाशक है और अष्ट कर्म को नष्ट करने वाला। तो भगवान के स्पृष्ट जल का प्रताप महान होता है। गंधोदक की महिमा का अंदाज तो हम लोगों को मैना सुंदरी और श्रीपाल के प्रसंग से देख लेना चाहिए कि भगवान का गंधोदक कुष्ठि कोढ़ी श्रीपाल के ऊपर डाला और वो कंचर बनी हो गए। धनंजय कुमार ने विशापहार स्तोत्र पढ़कर भगवान का गंधोदक सर्प काटने से अचेत पुत्र पर छिड़का और उनका अचेत पुत्र भी सचेत हो गया। अगर भगवान के गंधोदक को विशेष तरीके से हम शांति धारा आदि करते हैं और उसे अपने घर में छींटते हैं या अपने कहीं भी, तो वहाँ के अलाय बलाय दूर हो जाती है। तो गंधोदक की महिमा है, इसे सामान्य जल नहीं, ये मस्तक पर उत्तमांग में लगाने योग्य है। और जब कभी भी गंधोदक देने लेने की बात आए तो इतना विवेक और सावधानी रखनी चाहिए ताकि उसकी अवमानना न हो। आइए, वर्जीनिया अमेरिका से श्रीमान व्योम जी, श्वेता जी जैन, जय जय गुरुदेव। और तैयार रहेंगे श्रीमान जेके जैन, रश्मि जी जैन, नोएडा से ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री हीराश्रम परिवार साढ़ुमल और टड़ैया परिवार ललितपुर से नमोस्तु। मेरा प्रश्न, हम अपनी सोच
और दैनिक जीवन में क्या अपनाएं जिससे प्रकृति और पर्यावरण की कम से कम हिंसा हो और अपने आने वाले पीढ़ी को साफ हवा, साफ पानी और पैदल चलने के लायक स्वच्छ वातावरण मिले। हम अपनी सोच और प्रवृत्ति में ऐसा क्या बदलाव लाएं कि प्रकृति और पर्यावरण को ठीक कर सके, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ वातावरण मिल सके। देखिए, यदि हमारे सोच में पवित्रता और सकारात्मकता हो तो ये सब बातें अपने आप जीवन में आएगी। हर बात को सकारात्मक रूप से देखिए। आपके सामने एक पेड़ है, पेड़ को देखकर सबकी अलग अलग सोच हो सकती है। कोई उस पेड़ को देखकर उसकी लकड़ी को देखेगा, इसमें इतनी लकड़ी निकलेगी, इसका इतना मूल्य आएगा, इसमें इतना फर्नीचर होगा। कोई पेड़ को देखकर यह भी कह सकता है कि ये पेड़ इतना स्थान घेर रहा है। कोई पेड़ को देखकर के उससे मिलने वाले छाया और फल फूल को जोड़ सकता है। पर यह सब कैलकुलेटिव और भौतिक सोच है। लेकिन जो व्यक्ति पेड़ को देखकर ये सोचता है कि ये पेड़ हमारे इलाके की शान है और पर्यावरण की शुद्धि का आधार है, इसे सुरक्षित रहना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी सोच ही सही और सकारात्मक सोच की श्रेणी में आएगी। तो हमें ऐसी ही सोच रखे, केवल अपने हित की न सोचकर औरों के हितों का भी ख्याल रखें। यदि हमारी सोच व्यापक बनेगी तो ये सब चीज़ें अपने आप घटित हैं। आइए श्रीमान जे के जैन साहब रश्मि जी नोएडा से ट्रस्टी गुणायतन और जहाँ वहीं से सवाल करेंगे और तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी त्रिशला जी जैन ट्रस्टी गुणायतन बरेली। हमारे अनंत उपकारी द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का कोटिशा नमन नमन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी शब्दों में वर्णन करने लायक नहीं है कि हम आपका कैसे धन्यवाद कर पाएंगे, किस जन्म में उपकार चौंका पाएंगे जो हमने सिद्ध चक्र विधान में आनंद लिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। गुरुदेव मंदिर व्यवस्था से जुड़ी हुई छोटे से मेरे एक दो प्रश्न हैं कि यदि हमारे पास सुलभता से कुएं का जल उपलब्ध है तो क्या अभिषेक कुएं के जल से करना उचित है या बोरिंग के जल से, और यदि हम कुएं का पानी निकाल के रखते हैं तो उसको कितने दिन तक उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा महाराज जी मंदिर में अभिषेक से पहले बोरिंग उसका गीजर का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्ते महाराज। देखिए इस विषय में अनेक बार चर्चा आई, हमें कुएं के जल से या प्राकृतिक जल स्रोत से ही जल लेकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। बोरिंग के पानी में बिन छानी नहीं होती, पानी मथ कर आता है, तो बोरिंग के पानी से अभिषेक, बोरिंग के पानी से मुनियों को आहार कतई उचित नहीं। आपका सवाल कुआं दूर है, तो कुआं अगर दूर है तो व्यवस्था पास बना दीजिए। दो सुविधाएं हैं जो बहुत आसानी से हो सकती हैं। एक है आपके यहाँ यदि सरकार की तरफ से कोई बाधा ना हो तो आप बोरिंग कराकर 10 इंच 12 इंच की केसिंग वाली बोरिंग करा लीजिए और उसमें अहिंसा जीवाणी यंत्र लगा दीजिए, उससे आपको एकदम शुद्ध जल भगवान के अभिषेक के लिए उपलब्ध हो जाएगा। ये सभी मंदिरों में लगाया जा सकता है। और यदि ये संभव नहीं है, कई शहरों में सरकार के द्वारा बोरिंग प्रतिबंधित है, तो वहाँ बरसात के जल को संचित करने की व्यवस्था बना लीजिए, टांका बना लीजिए, अमृत कुंड, और उससे तो ये लाभ होगा कि प्रतिमा जी में एकदम दाग भी नहीं आएगी, साफ स्वच्छ, क्योंकि वो तो डिस्टिल वाटर, उसे अमृत कहा है, अमृतम तोयाम्बू, कल्याण कार्यक्रम में ऐसा लिखा है कि बारिश का जल अमृत है, उसको आप कर लीजिए तो ये रास्ता हमारा ठीक हो सकता है। गीजर के पानी का प्रयोग भगवान के अभिषेक से पूर्व स्नान में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जल कीड़ों की उबाल है।
मैं तो कहता मंदिरों और धर्मशालाओं में गीजर लगाना ही नहीं चाहिए, गर्म पानी का कोई और दूसरा विकल्प होना चाहिए, जैसे वायलर आदि है वो विकल्प हो। और एक अच्छा डिवाइस बनाया है एस डॉक्टर एस के जैन ने, इस मंच से कई बार उसको दिखाया, जैसे आप अपने ओवरहेड टैंक से जोड़ लीजिए या गीजर के पहले जोड़ दीजिए तो पानी गीजर में आने के पहले छन जाता है। शायद यहाँ लगा भी था, लगा है अभी, काम कर रहा है जी। काम कर रहा है, जिनको देखना है तो उसका डेमो लगा है ना, तो इसको और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, उसको ठीक थोड़ा बहुत हो उसको देखे, कोई अल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए। आइए श्रीमान अनिल जी, त्रिशला जी, जैन ट्रस्टी हुआ है नंबर। हाँ बोलिए। 30 तारीख को हम वंदना करने गए थे पर्वतराज की, तो पर्वतराज तो अनादि अनंत सिद्ध क्षेत्र है, बट ऐसा कहा गया ये एक इंद्री जीव है, तो ये एक इंद्री जीव का ये भाग है या ज्यादा दिमाग क्यों लगाते ऐसे आदमी से पूछा क्या, ये पर्वतराज है, जीव जंतु के चक्कर में नहीं पड़ो। नमोस्त महाराज जी, नमोस्त। एक इंद्रिय कोई एक बात और बता दूं, ये स्थल अनादि निधन है, पर्वत का आकार जो है ये अनादि निधन नहीं है, ये तो धीरे धीरे क्षरण होगा, और जब पंचम काल का आखिरी समय, छठा काल का आखिरी समय आएगा, धरती एक योजन नीचे तक चकनाचूर हो जाएगी, एकदम चूर चूर हो जाएगी, फिर जब सुकाल आएगा तब फिर इस पर्वत की रचना होगी। आइए वहां ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी, त्रिशला जी जैन बरेली तैयार हैं, श्रीमान सविता जी, प्रसन्न जी जैन, श्रीमान शिक्षक गुणायतन बांदा, दोनों महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बहुत दिनों से एक विकल्प मेरे मन में चल रहा था, तो मैंने कहा जब महाराज जी मिलेंगे तो मैं जरूर पूछूंगी। जैसे हम लोग अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, तो हमारी जब पूजा हो जाती है और उसमें थोड़ी सी द्रव्य हमारे बच जाती है जैसे पुष्प आदि, तो वो जो दूसरा पूजा कर रहा होता है उसको हम दे देते हैं कि आप अब इससे पूजा कर लो। तो महाराज जी, ये ठीक है क्या कि हम अपनी अवशिष्ट द्रव्य जो है वो दूसरे को दे दें पूजा करने के लिए? क्योंकि सामान्य जीवन में अगर हम जैसे भोजन करते हैं तो एक व्यक्ति अपनी थाली में से अगर कोई भी अच्छा खाना, मतलब जूठा नहीं है, वो दे देता है दूसरे को, तो कई बार लोग नहीं लेते हैं, तो ऐसे अवशिष्ट सामग्री। भोजन और पूजन में अंतर है, भोजन में जूठा होता है, पूजन में पवित्र होता है, समझ गए? दोनों में बड़ा अंतर है, इसलिए दोनों को इससे जोड़ना मुझे उचित नहीं दिखता। हाँ, हमारे शास्त्रों में एक विधान मिलता है, एक शब्द आता है से साक्षत। कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर जाओ तो कुछ भी बचाओ मत, सब थाल उड़ेल के आ जाते हैं। लेकिन आगम में ऐसा वर्णन आता है कि घर आकर से साक्षात छोटे बच्चों और छोटे लोगों के सिर पर मंगल आशीष वचनों के साथ छेपे। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा बचा के ला, चिरंजीवो भव, दीर्घायुष्को भव, कुलवर्धको भव, धर्म धुरंधरो भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, तपस्वी भव, मनस्वी भव। महाराज जी, लेकिन घर में कोई और है नहीं तो फिर क्या? घर में कोई और है ही नहीं तो और कोई नहीं है तो कोई भी हो, अगर घर में कोई नहीं है तो बात दूसरी है, कोई को बना लो अपना, और अगर नहीं है तो आप कह रही है इधर से कि अपने ऊपर डाल लो। खैर, वो अपने ऊपर डालना तो उचित नहीं है, लेकिन ये इस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, जिनके घर में कोई नहीं है वे अपने द्रव्य को वहीं पूरा करके कर। महाराज जी, जी जी दिल्ली से आए हुए हैं, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं। थोड़ा समय की सीमा है, जल्दी बोलिए। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्राय हम लोग उपवास करते हैं 32 दिन के, 108 दिन के, 16 दिन के, बाकी एक एक दिन के, तो उसके बाद शाम को कुछ लोग जो है चारों प्रकार के आहार का त्याग भी करते हैं, तो उनके भी रात्रि में 12 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो अगले दिन जब सुबह पारणा करते हैं तो 108 वाले व्रत उपवास से लेकर के जिसने एक दिन का जल उपवास किया है वो, और 12 घंटे का जिसका शाम को सूर्यास्त से पहले 4 घंटे का हो गया, तो इसमें दो बातें पूछनी है कि एक तो उनका भी क्या अगले दिन सुबह पारणा होता है, तो
तो उसका क्या महत्व है और पारणे का वास्तविक महत्व क्या है? देखिए उपवास क्या है, चतुराहार विसर्जन उपवास है, चार बार के आहार के त्याग का नाम उपवास है। चार प्रकार का नहीं, चार आहार के त्याग का नाम उपवास। तो जिस दिन आपने उपवास किया उस दिन एकाशन करो और शाम के भोजन का त्याग, तो एक आहार उसमें छूटा। उपवास वाले दिन दोनों वक्त का आहार छूटा। और जिस दिन पारणा की तो आप सुबह भोजन कर लिए, शाम का भोजन छोड़े, तो ये चार आहार छूटने पे एक उपवास होता है। ये उपवास का उत्कृष्ट रूप है। दो उपवास किए तो सष्टम होता है, दो दो बढ़ते जाएंगे। तो ये उपवास है, अपने को शक्ति के अनुसार ऐसे उपवास करना चाहिए। अब आपने यदि रात्रि में चारों प्रकार के आहार का परित्याग कर दिया तो महीने में 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। फल मिलता है, वो स्कीम वाला उपवास कहलाएगा नहीं। नहीं तो आपको, अच्छा हम तो रात्रि में चारों प्रकार का आहार त्याग दिए तो अब हमें उपवास करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ऐसा नहीं है, समझ गया। तो उसको उस तरीके से देख करके चलना चाहिए। पारणा को एक उत्सव का रूप दिया जाता है। कायदे से पारणा तो उपवास की पूर्णता का द्योतक है। हमने उपवास किया, अब उसकी पूर्णता कर रहे हैं तो पारणा हो जाए। चूँकि उपवास एक तपस्या है और तपस्या का अनुमोदन सभी लोग करते हैं, इसलिए उस अनुमोदना में लोगों का ज़्यादा उत्साह दिखता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, उपस्थित हूँ श्रीमती सविता जी, पुष्पेन्द्र जैन गुणाधिकारी संरक्षक बांदा से, तैयार हैं श्रीमान रंजना जी, विनोद जी जैन बिलासपुर समय संरक्षक गुणायतन। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, विगत 16 दिनों से मैं यहाँ पर प्रवास कर रहा हूँ और जो 8 दिन का हमने श्री सिद्ध चक्र विधान आपके चरणों में बैठकर आनंद प्राप्त किया है, उसके सुख की अनुभूति शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो यहाँ का वातावरण, यहाँ की कमेटी की कृपा या जो सहयोगी बंधुओं ने हम लोगों का साथ दिया है। ओम सहयोग, ये हो गया, सवाल कर लो गुरुवर। हाँ, एक बार सबके लिए तालियां बजा दो। तो अब सीधे सीधे सवाल करना, बोलो गुरुवर। कहा गया है कि अगर पंच कल्याणक होते हैं और उसमें सौधर्म इंद्र की जो श्रावक भूमिका निभाता है, और अगर आगम संबत और गुरुओं के अनुसार उसने उस पदवी को निभा लिया, तो निश्चित रूप से 3 भाव में उसका मोक्ष हो जाना संभव है। अगर संभव है 3 भाव में उसका मोक्ष हो जाना, तो प्रभु उस भाव को अपन कितने सालों में, कितनी शताब्दियों में, कितने दिन में एक भाव की गणना कर सकते हैं, उस भाव की जानकारी करना। देखिए, ये बात तो जो लोक में कही जाती कि सौधर्म इंद्र जो अच्छे भाव से बन जाए जी, उसकी 3 भाव में मुक्ति सुनिश्चित हो जाती। मुझे नहीं पता कि ऐसा कहाँ लिखा है, लेकिन ऐसा जरूर लिखा है कि सौधर्म इंद्र जो साक्षात सौधर्म इंद्र होता है, वो एक भाव अवतारी होता, वहां से आकर मुनि बन करके मोक्ष जाएंगे। जय हो। तो सौधर्म इंद्र की इतनी महिमा है, तो आप 3 भाव बोल रहे हैं, मैं तो एक ही भाव बोल रहा हूं। तो हम तो ये कहेंगे कि जो यहाँ भाव से सौधर्म इंद्र बनता है, वो ऐसा पुण्य संचित करता है कि सीधे सौधर्म इंद्र भी बन सकता है। और यदि भाव से बना और वो सौधर्म इंद्र बन गया, तब तो एक ही भाव में टिकट कट जाएगा। ये भाव खत्म हुआ, स्वर्ग में जाएगा, उसकी ज्यादा से ज्यादा 2.5 सागर की आयु होगी, और यहाँ आएगा तो 1 कोटि पूर्व से ज्यादा की आयु लेके नहीं आएगा, बहुत जल्दी टिकट कट जाएगा। तो सौधर्मिंद कभी घाटे का सौदा मत समझना। ये तो महान फलदायी है, पर अंदर से भाव से ओतप्रोत होकर बनो,
और मैंने एक चीज देखी है, बहुत से लोग मेरे संपर्क में जिन्होंने सौधर्म इंद्र जैसे गौरवशाली पद को प्राप्त किया, उनके जीवन में बड़ा जबरदस्त बदलाव घटा है, बहुत बड़ा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, की चर्या, क्रिया, भाव, विशुद्धि में बदलाव। तो मैं इसे उसका पुण्य मानता हूं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। मैं एक जगह की बात बता रहा हूं, एक जगह बोली लग रही थी और एक भाई, ये बहुत पुरानी बात है, बोली लिया और उसकी सौधर्य इंद्र में एक अच्छी राशि, उस समय अब फिगर नहीं बोलता हूँ, पर एक अच्छी राशि थी और उसके नाम पर बोली टूटी और जैसी बोली टूटी खुसर फुसर होने लगी। मतलब जिस आदमी के नाम पर बोली छूटी वो डेली ड्रिंकर था, बल्कि शराब से ही कुल्ला करने वाला व्यक्ति था, थोड़ा प्रभावशाली भी। अब बोली उसके नाम पे टूट गई, मेरे कान में बात आई, मामला बड़ा गंभीर और संवेदनशील था। उसको जब श्रीफल भेंट करने के लिए मेरे पास लाए, मैंने बहुत ही धैर्य और समझदारी से काम लिया, उसको अपने पास बुलाया मंच पे। हमने कहा, देख तेरा हो भाग है, जिन हाथों से अब तू श्रीफल चढ़ा रहा है सौधर्य इंद्र बनने का, अब जीवन में कभी शराब मत छूना। तेरा आज प्रबल पुण्य आया है, तू पैसों के बल पर सौधर्य इंद्र नहीं बना, पैसे वाले तो सब बैठे रह गए, तेरा पुण्य उछाल मारा है, अब तू भगवान का अभिषेक करेगा, तू सौधर्य इंद्र का दायित्व होगा, सौगंध खा के अब मैं सुधरूंगा। आंखों से आंसू, मेरे चरणों में सिर रखा और 5 मिनट तक उसकी आंसू की धार बहते रहे। उसने प्रतिज्ञा ली कि आज से सब काम बंद, और उस दिन उसकी घोषणा हुई और 3 बोलियां और ली, और वो आदमी आज 7 प्रतिमा का पालन कर रहा है। ये बदलाव है, ये चमत्कार है, तो अंदर से हो। उसको लगा ये बात बैठ गई, और उसका होनहार था, लोगों ने क्या सोचा, इसको फंसा दो, ये बोली बढ़ाने के लिए बोल रहा है, बोलेगा थोड़ी, सबका कैलकुलेशन है। बाद में जो मूल दावेदार थे सब अपना सिर पकड़े बैठे थे, अब क्या होगा, चूक गए तो चूक ही गए, अब क्या होगा उपाय, तो ये चीजें देखना चाहिए। बहुत आइए सेठ श्री, आगामी आने वाले समय में कुछ, बिल्कुल जय हो, जय हो, जय हो, बस ध्यान रखना आगे, जय हो गुरुवर, आपकी कृपा बनी रहे। सेठ श्री विनोद जी, रंजना जी, जैन रंजना संरक्षक, आ जाओ आप भी, आ जाओ बिलासपुर, और तैयार रहेंगे बक्सरा गुजरात से समय सक्षम गुणायतन श्रीमान अतुल जी लाधानी अपने परिवार के साथ। अतुल जी, शीतल जी लाधानी, महाराज जी के चरणों में हम हमारे परिवार का शत शत नमन। मुनि प्रमाण सागर की हार अदा का क्या जवाब दूं, अष्टानिका महापर्व के अवसर पर क्या तोहफा खास दूं, कोई अच्छा सा फूल होता तो बुलवाती माली से, पर वे खुद गुलाब हैं, उन्हें क्या गुलाब दूं। आचरण इंसान को हैबान बना देता है, माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। मैं आपसे कहती हूँ, दूसरों से नहीं, त्याग इंसान को भगवान बना देता है। महाराज जी, हमारा छोटा सा प्रश्न है, सोच रही हूँ पूछूं कि नहीं। अपने आचार्य की प्रेरणा से सब अहिंसक श्रृंगार की वस्तुओं का वहाँ पे भोपाल में वो हो रहा है, और जब भी अच्छी चीज़ें बन के आती हैं तो वो हमारे पास भेज देते हैं, क्योंकि थोड़ा महंगी हुआ करती हैं, चाहे शैम्पू हो, चाहे क्रीम हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमें उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखो, आप प्रतिमाधारी हैं, साथ है ना, तो सातवीं प्रतिमा में अलंकरण नहीं होना चाहिए। फिर महाराज जी, हम क्यों खरीदें चीजों को, तो मत खरीदो, उनको मना बोलो कर देंगे कि बहुओं को शिफ्ट कर दो, वो नहीं लेती,
नहीं, वो तो अपने ब्रांड उनको बोल दो कि ये मेरे योग्य नहीं है, कृपया मुझे न भेजो। हाँ, दो प्रतिमा वाला कोई हो, तीन प्रतिमा वाला हो, सात प्रतिमा से नीचे, तो उस व्रति के अलंकार का निषेध नहीं है, वो अहिंसक अलंकार की वस्तु का प्रयोग कर सकता है केवल अष्टमी चौदश को छोड़कर। व्रति इनका उपयोग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। व्रति के होने का मतलब नीरस जीवन जीना नहीं है, हम लोगों ने गलत बना दिया, व्रति की महिमा ही बिगाड़ दी। व्रति होने का मतलब एक बार खाओ, मार्किन का कपड़ा पहनो, ये सब बातें कहाँ हैं। व्रति होने का मतलब है पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षा व्रत का निरतिचार पालन करो, सात्विकता के साथ जीवन जियो, जीवन का अच्छा रस लो, ये व्रति होने का मतलब। लेकिन हिंसा मुक्त होना चाहिए, अहिंसक कोई भी चीजें आप देखिए उसमें तो तांबूल तक का वर्णन है, यानी व्रति पान भी खा सकता है। अब ये बात अलग है कि छत्तीस हरी का दोष कब से आ गया कहते हैं, लेकिन उसमें है केवल अष्टमी और चतुर्दशी को निषेध किया, तो एक जमाने में व्रती लोग इनको खाते होंगे। मैं नहीं कहता कि व्रती खा लो पान, पर आपके लिए ये सुविधाएं थी, हमने उसे जटिल बना दिया, और इतना जटिल बना दिया कि कोई आदमी अब व्रती बनने के लिए बहुत सोचता है। व्रती नीरसता का नाम नहीं है, व्रती जीवन जीने का मतलब है जीवन का परम रस लेकर के जीवन जीना, यह जीवन है। जो व्यक्ति अनुव्रतों के साथ जीता है वो आकुलता मुक्त होकर जीता है, लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि व्रतियों में ज्यादा आकुलता आने लगी उनकी क्रियाओं के माध्यम से, हमने क्रियाओं को कुछ ज्यादा जटिल बना दिया। आपकी साथ नहीं होती ना तो शायद मेरे उत्तर से आप खुश हो जाते। चलिए नहीं महाराज जी, खुश अभी भी हैं, लेकिन सबकी नजर रहती है ना कि भाभी अच्छे से रहती हैं। नहीं, हमारे घर में अच्छे से रहो, लेकिन आप सात प्रतिमा का मतलब ब्रह्मचारिणी तो वो सुनो तो... और अभी बोलू ना, बोल दो महाराज जी बोल दो, बिल्कुल ये भी हट जाएगा। ब्रह्मचारी विभूषा रहित सो होता, ब्रह्मचारी को अलंकरण नहीं करना चाहिए। आपकी सात प्रतिमा है, सातवीं प्रतिमा को ब्रह्मचारी कहा है, आ गई समझ में? तो कब से हमारे तो जब से, हाँ सात प्रतिमा के बाद तो बिल्कुल मुहर लग गया, इसलिए आप थोड़ा सा ये थोड़ा कलेवर भी बदलना चाहिए, अब रंगीन नहीं होना चाहिए तो और अच्छा है। महाराज जी आपने अच्छा समझा दिया, बहुत कुछ कुछ खरीदती रहती तो मेरा पैसा बचत जाए। बहुत बढ़िया, चलिए बोलिए। किसका नाम? हाँ, श्रीमान अतुल जी, सीता जी लाधानी परिवार बक्सरा से, और तैयार हैं श्रीमती नीता जैन अमरती परिवार मंडला। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न आज के युग के बच्चों बेटियां जो कपड़े पहनती है उससे है, जो बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आजकल की बच्चियां जो कपड़े पहनती है उससे है, जो बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आजकल की बेटियां बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर ही धार्मिक स्थलों पर घूमती रहती है, घुटने के ऊपर तक के पेंट वगैरह। जो नई बहुएं साड़ी भी पहनती है तो ऐसे पहनती है जैसे उसका बहुत शरीर का भाग बहुत सारा दिखता रहता है। और गुरुदेव आजकल अगर सूट भी पहनती है तो उससे दुपट्टा हट गया है, तो जो मर्यादाएं हैं वो सारी मर्यादाएं खत्म होती जा रही है। तो गुरुदेव आजकल की बेटियों को बहुओं को और उनको छूट देने वाले माता पिताओं को आप कुछ संदेश दीजिए गुरुदेव। देखिए अब बेटियां बहुएं तक की बात सीमित नहीं है, यहाँ कई सासुएं भी हैं जो बिना दुपट्टा के बैठी हैं। बिल्कुल गुरुदेव, आप सब सुन के आश्चर्य करोगे। मैं उदयपुर में था, एक महिला आई, वो जींस और टॉप में थी, बाल पूरे चांदी जैसे सफेद, और जींस टॉप में मैं उस वक्त आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने उनकी उम्र पूछी तो 82। 82 साल की महिला
जींस और टॉप पर थी। हमने कहा बिल्कुल मॉडर्न है, अब उनसे क्या बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। तो देखिए इस विषय में मैं इतना कहूँगा, क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। मैं अपना कोई आदेश नहीं थोप सकता, लेकिन एक सवाल आप सबके सामने जरूर छोड़ता हूँ। ये बताओ, कपड़ा तन ढांकने के लिए पहनते हो या तन दिखाने के लिए? ढांकने के लिए। पहनते किस लिए हो? अगर तुम्हें तन दिखाने का शौक है तो तुम दिखाओ, पर ये सोचो कि तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वह केवल शरीर नहीं है, तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी प्रवृत्तियां तुम्हारे व्यक्तित्व को उभारती है। आदमी कितना ही कैसा भी कपड़ा पहन ले, कपड़ा क्यों इस तरह का आकर्षित करने के लिए? यानी आप अपना बदन दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हो। और ध्यान रखना, जो तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर तुम्हारी ओर आएगा वो तुम्हारा फैन बनेगा, तुम्हारा अनुयायी बन सकता है, तुम्हारा अनुकरण कर सकता है। और जो तुम्हारा शरीर देखकर तुम्हारी ओर आकर्षित होगा वो लुच्चा लफंगा ही होगा। किसको आकृष्ट कर रहे हो? लुच्चा लफंगा बदमाश को? तुम्हें सोचना है। ये आधुनिकता के नाम पर मर्यादाओं का हनन है। आज से कुछ दिन पहले भी इस आशय का सवाल आया था, तब मैंने लोगों से एक दूसरा सवाल कहा था कि एक भारतीय महिला, एक महिला जब कोई विदेशी परिधान पहन कर आती है तब, और वही महिला जब भारतीय परिधान पहन कर आती है तब, दोनों के लुक में क्या एक रूपता होती है? क्या अंतर दिखता है? जब कोई महिला भारतीय परिधान पहन कर आती है तो उसमें माँ, बहन और देवी का रूप दिखता है, और वही जब विदेशी परिधान पहन कर आती है तो केवल एक स्त्री की जैसी दिखती है, जिस पर मनुष्य की विकारी दृष्टि होती है। स्त्री के प्रति लोगों का मन विकारी हो सकता है, माँ, बहन और देवी के प्रति तो उनके अंदर श्रद्धा और पवित्रता का भाव आता है। अपनी दृष्टि को पवित्र बनाइए, उसे विकारी मत बनने दीजिए, और हमारे साथ सामने वाले का भी। कई बार लोग कहते हैं हम भड़कीले कपड़े पहने, चाहे कैसे पहने, वो अपने मन पर संयम रखो। मैं सहमत हूँ, सामने वाला कैसा भी हो हमें अपने मन पर संयम रखना चाहिए, पर मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि बचपन में जब घर में बिल्लियों का आतंक होता था तो दूध को सीके पे टांग के रखा जाता था। मैंने एक बार पूछा कि सीके पे क्यों टांगते? बोले बिल्ली से बचाने के लिए यही एक उपाय है, बाकी सब जगह बिल्ली की अप्रोच है, सीके पे बिल्ली की अप्रोच नहीं होती। तो बिल्ली से बचाने के लिए सीके पे टांग करके दूध रखा जाता है, और जहां चारों तरफ बिल्लियां मंडरा रही है वहां खुले बर्तन में दूध रखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? सत्यानाश होगा, और क्या होगा? वही हो रहा आज। और इसमें विदेशी चाल है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने हमारी भाषा को बदला, हमारी भूषा को बदला, हमारे भोजन को बदला, और हमारे भैसज को बदला, औषधि को बदला। भाषा, भूषा, भोजन, भैसज सबको बदल दिया तो हमारी भावना भी बदल गई। पहले साड़ियां होती थी ना, अब तो मुझे लगता है 2-3 सालों में मैंने देखा अब अपवाद स्वरूप महिलाएं ही साड़ियों में दिखती है। मुझे तो लगता है जैसे पुरुषों की धोतियां पूरी तरह गोल हो गई, 2-4 साल में आप लोगों की साड़ियां भी गोल हो जाएगी, केवल धार्मिक कार्यों में दिखेगी।
इसके पीछे एक चाल है व्यापारिक, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन प्रसंग बहुत उपयोगी है, व्यापारिक चाल है। क्या? पहले घर में एक साड़ी सासू भी पहन लेती थी, बहू भी पहन लेती थी, आदान प्रदान होता था तो सास बहू में प्यार होता था, और एक साड़ी दो के काम में आती तो बाजार में साड़ी कम बिकती, घर का खर्चा भी कम होता। अब इनने देखा भी ये तो मामला गड़बड़ है, तो इसको तोड़ो, तो साड़ी की जगह पहले सलवार सूट ले आओ, सलवार सूट लाओगे तो सबकी सूट की अलग अलग फिटिंग, सब अलग अलग पहनेंगे, अलग अलग रखेंगे, आपस का कम्युनिकेशन खत्म, एक के दो होंगे, हमारा माल ज्यादा बिकेगा। सलवार सूट में भी देखिए आप लोग, मैं तो हर चीज पर बहुत बारीकी से नजर रखता हूं, पहले जब सलवार सूट आया तो आप दुपट्टा रखते थे सिर पर, फिर धीरे से वो खिसका दुपट्टा आया गले में, फिर और खिसका सो दुपट्टा आया ऐसे, अरे वो ही गोल हो गया। ये स्टाइल से आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, आप कपड़ा पहनते, मैंने कपड़ा नहीं पहना लेकिन मैं नजर सब पर रखता। ये चाल है, आप लोगों का उस तरफ बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मर्यादाएं इसी तरह, बुरा मत मानना। मैंने पहला ही वाक्य कहा कि क्या पहनना क्या नहीं पहनना आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, पर मैं जो बात अपनी रखना चाहता रख सकता हूं, खुले बाल रखना आज का फैशन हो गया, बिल्कुल है ना। आप किसी बाबा के पास या ऐसे दरबार में जाओगे जहां भूत भूतनी का खेल होता है, वहां सब खुले बाल वाले ही मिलेंगे, सिर धुनते हुए बोलो, मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही है, पहले खुले एक भी बंधे बाल वाले नहीं मिलेंगे। ये क्या फैशन, ये अंधानुकरण है, समझ गए। हमारे यहां महिलाएं बाल खोलकर युद्ध के मैदान में उतरती थी अपने राज्य और सतीत्व की रक्षा के लिए, जब वो चंडी का रूप रखती थी। अब आज क्या हो आप लोग, इसीलिए घर घर में माहौल प्रचंड होता जा रहा है, कहीं ये भी कारण हो सकता है, क्यों हम बांध के नहीं रख सकते, ये अंधानुकरण क्यों। इस पर आप सबको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और जब तक इन पर विचार नहीं करोगे न तो आपकी मर्यादाएं सुरक्षित होगी, न ही आपका जीवन सुरक्षित होगा, चाहे बेटियां हों, चाहे बहुएं हों, चाहे सासुएं हों। हमें अपनी मर्यादा का ध्यान खुद रखना होगा, तभी हम सफल होंगे। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, आपका प्रभाव आपके इस बाहरी डिल डॉल में नहीं, आपके आंतरिक व्यक्तित्व से बढ़ता है, तो अपना आंतरिक व्यक्तित्व निखारिए, जीवन को सुदृढ़ बनाइए, नहीं तो जीवन तहस नहस होने से नहीं बचेगा। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात सच में अच्छी लगी तो अपने जीवन में से अपनाओ। हालांकि कई छोटी छोटी बहनें और बेटियां बोलती है, महाराज जी हम लोग थोड़ा सा इसका ख्याल रखते हैं ना तो लोग हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हमें बहन जी कहने लगते हैं। तो कहो ठीक, मैं तुमसे कहता हूँ, तुमसे कोई कहे बहन जी तो उसका प्राउड फील करो, क्योंकि बहन जी तो सबसे अच्छी होती है, कोई मॉडल थोड़ी बनना हमको।
क्यों हम अपने आप में झेप महसूस करते हैं? हमें गर्व होना चाहिए और उनको उस समय इसी गर्व से भर करके कहना चाहिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने मेरा सही आकलन किया, आप बहाव में बह रहे हैं और मैं जहां के तहां। मैं आपको बताऊं, मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनका एक बेटा लंदन में एक बहुत बड़ी कंपनी में, अभी वो सीईओ के पोस्ट पे पहुंच गया और वह उसकी 8 साल की उपलब्धि। उसने अपना एक वाकया बताया, 8 साल में यहां तक पहुंचा। जब वो कंपनी के मालिक से बात किया, ये बात बहुत अच्छी है इसलिए मैं आज उद्धृत कर रहा हूं, तो कंपनी के मालिक ने एक दिन उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। ध्यान देना, कंपनी के मालिक ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, और वो इंग्लैंड का, लंदन का व्यक्ति, अंग्रेज, वो बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं क्योंकि जब भी मैं तुमसे मिलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं किसी भारतीय से मिल रहा हूं, बाकी सब तो हमारे जैसे बन करके आते और हमारे जैसे बन नहीं पाते, तो मुझे तुम्हें देखकर ये लगा कि ये व्यक्ति अपने उसूलों में दिल रहने वाला है, इससे आगे बढ़ाने पे हमें सही काम और सही लाभ मिल सकता है। 8 साल की अवधि में जो व्यक्ति सीईओ तक पहुंच जाए, और आज भी उस कंपनी के मालिक का बड़ा विश्वास भाजन है, तो मतलब क्या निकला? आप जब तक अपनी मौलिकता को बचाए रखोगे तभी तक अपनी पहचान होगी, जब मौलिकता खो देंगे तो आपकी पहचान खंडित होगी। इसलिए इन बातों पर अत्यंत गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसी अनुरूप अपना जीवन होना चाहिए। मैंने अपनी बात कह दी, आपकी आप जानो। श्रीमती नीता जी, अमरती परिवार मंडल से उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमती चंद्रा जी पाटनी, सुसाव का रांची मंत्री गुणायतन। नमोस्तु अहमदाबाद, पहले तैयार रहेंगे। हे गुरुदेव, रिश्ते बिजली की तार की तरह होते हैं, यदि सही जुड़ जाएं तो उजाला देते हैं और यदि गलत जुड़ जाते हैं तो झटके देते हैं। तो हम अपने रिश्ते को कैसे बनाएं, कैसा व्यवहार बनाएं कि वह उजाला करें जीवन में, झटके ना दें? बिल्कुल, झटके से बचने के लिए एक ही बात है, तार को नंगी मत रहने दो, उसमें इंसुलेशन चढ़ा दो। तार पर अगर इंसुलेशन हो तो कभी झटके नहीं लगेंगे और उजाला ही उजाला होगा। वो इंसुलेशन क्या है? सहनशीलता और उदारता का इंसुलेशन चढ़ा लो, कभी झटके नहीं पड़ेंगे। अनिमेश जी अहमदाबाद से उपस्थित सीखता के साथ, और तैयार हैं चंद्रा जी पाटनी और तैयार हैं कृति जैन जबलपुर। हे गुरुदेव, आपको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि बार नमस्तु। मेरा प्रश्न है, ये है कि श्री शमेश शिखर जी शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ से 20 तीर्थंकर के साथ साथ करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए हैं, फिर भी यहाँ के जनता सुखी क्यों नहीं है? यहाँ पे अभी भी गरीबी क्यों है? यहाँ की जनता सुखी क्यों नहीं है, अभी भी गरीबी क्यों है? इस विषय में मैंने कई बार उत्तर दिया है, पुराने उत्तरों को देख लोगे तो मिल जाएगा, है ना। चंद्रा जी पाटनी उपस्थित हूँ, ग्वालियर से ग्वालियर की मंत्री, और तैयार है कृति जैन जबलपुर। कृति को दे दो पहले, जल्दी जल्दी करो। और तैयार रहेंगे पिंडरई से श्रीमान विजय कुमार जी जैन, मनीष जी जैन, श्रीमती मंजू जैन पिंडरई। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, समचिंता प्रयत्न और पुरुषार्थ करने के बाद भी हमारे पुनर्जन में बाधाएं क्यों आती हैं? देखिए, सब कुछ करने के बाद भी बाधाएं आती है तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ में कोई कमी रह गई है। उन बाधाओं से विचलित ना होकर और दुगने उत्साह से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में केवल हमारा प्रयास है और हमें वही करते रहना चाहिए जिससे हमारा जीवन सज सके। एक बहुत आवश्यक सूचना, पिच्छी का परिवर्तन समारोह दिन होगा 11 दिसंबर का, रविवार का दिन दोपहर 1 बजे से निहारका में बने भव्य मंडप पर पिछ का बर्तन समारोह, गुरुदेव का, परम पूज गुरुदेव का पिछ का बर्तन समारोह होगा। 3 समय शिखर जी परिक्रमा
12 एवं 13 दिसंबर को होगी। 12 दिसंबर को प्रातःकाल की वेला में परिक्रमा प्रारंभ होगी। उस दिन की आचार्या परिक्रमा मार्ग में होगी एवं शंका समाधान निमिया घाट जनालय में होगा। 13 दिसंबर को परिक्रमा समापन के पश्चात आहार चर्या गुणायतन मधुबन में होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने टिकट आरक्षित कर लें और 11 तारीख को यहां पहुंच करके परम पूज्य गुरुदेव के पिछका पद में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य करें। दिन 11 तारीख 11 दिसंबर दिन रविवार को पिछका पर्तन समारोह परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी एवं सागर जी महाराज का होगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।